गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, ऑडियो को बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमीना जी, गुड इवनिंग अला जी। ओके जी, एक बार बाकी सारे बच्चे और ज्वाइन कर लें, फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारी PYQ की सीरीज है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहाँ पे हम PYQ डिस्कस करते हैं। PYQ डिस्कस करते करते हम लोग फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे, रादर देन कि हमको क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो जो नंबर आप लोगों के लिए काम आएगा वो है दिस नंबर 9991675330। सवाल अगर आप लोगों के जेन्युइन है तो बेधड़क होके पूछिएगा। अब आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग बिना कॉपी वगैरह के बैठे हैं, प्लीज आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉपी और एक पेन जरूर ले लीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो नोट्स में बीच बीच में बता रहा हूं, इन खासकर PYQ में, उसका PDF आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पूरे मिल जाएंगे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि एक कॉपी एक पेन जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये सवाल तो पूछा जा चुका है, ये शायद दोबारा पूछा जाए ना पूछा जाए, पर उसके इंपॉर्टेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने वाला हूं, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। सवाल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब एक चीज याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो एक एक्ट है, पर बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहना होता है। कैसे सवाल पूछे जाते हैं ध्यान से समझिएगा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया तो उससे पहले एक इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। आप लोग बताएंगे ये स्टॉकहोम कौन सी जगह, कौन से देश में लाई करता है? ये कॉन्फ्रेंस उसी साल हुई थी 1972 में, जिस साल हमारे यहां वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये पहले हुई है, उसके बाद में ये आया। स्वीडन में है, ठीक है जी, स्वीडन में, बिल्कुल। कहाँ है? स्वीडन में। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इंडिया में अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक बार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल बना है तो एग्जामिनर अगली बार कोई दूसरी चीज से सवाल बना देगा, लेकिन सवाल इन सारी चीजों से ही बनेंगे जो मैं बता रहा हूं, जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में जो अगर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 48A में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है, जो कि पार्ट है DPSP का।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4A है, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं, जिसको आर्टिकल 51A है, जो उसमें भी हमारा मेंशन किया गया है कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर। तो ये दोनों तो रहे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A। उसके अलावा टाइम टाइम पे भारत की सरकार ने अलग अलग एक्ट पास किए, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है, जैसे 48A की बात कर दूं तो उसमें लिखा है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 48A में। तो ये दोनों तो हैं। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में आया। उसके 2 साल बाद पानी भी तो बचाना है, तो वाटर को प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। पानी के बाद खाली पानी बचा के तो काम नहीं चलेगा, हवा भी तो लेनी है, सांस लेनी है। हर जगह धुआं धुआं है, पॉल्यूशन है, तो अच्छी हवा भी तो चाहिए। तो कुछ टाइम बाद आया एयर को बचाने का एक्ट, ये कब आया, 1981 में। फिर एक कंप्लीट ब्लैंकेट एक्ट आया जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, जिस जो आया 1986 में। ना डीपीएस, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पनिशबल ऑफेंस कैसे हो सकता है, ये ड्यूटीज हैं। आर्टिकल 51A के अंदर में कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं हो सकता, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, ये समझिए आप। वो तो सिर्फ ड्यूटी मेंशन है 51 आर्टिकल ए में। उसके लिए सरकार ने जो एक्ट बनाया उसमें पनिशमेंट होती है, कि मान लीजिए मैं जाके जंगल में आग लगा के बैठ जाऊं, तो पनिशमेंट मुझे इस एक्ट से मिल सकती है, मुझे इस एक्ट से मिल सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज तो सिर्फ ड्यूटी मेंशन है, उनको इंफोर्स करने के लिए क्या लॉ बनने चाहिए ये तो सरकार बनाती। क्लियर है एबी जी? उसके बाद ओजोन भी तो बचानी है, ओजोन जो प्यारी सी ओजोन है, क्यूट सी ओजोन है, जो हमको बचाती है किससे, रेडिएशन से, हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। उसके लिए 2000 में रूल्स आए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। हेलो सीम जी, क्लियर है ये? क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, यस और नो बताएं। तो ये सारे एक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस तरीके से याद रखिएगा कि पहले वाइल्ड लाइफ आया, तो जंगल का जानवर मंकी निकला, पहले बोला कि मैं पहले पानी पीऊंगा, फिर अच्छी हवा लूंगा, उसके बाद इन्वायरमेंट, पूरा जंगल में जाके घर बना के सो जाऊंगा। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, पहले वाइल्ड लाइफ, वाटर, एयर, इन्वायरमेंट, फिर ओजोन और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और अभी खत्म नहीं हुआ है, आज इसी स्लाइड में इतना आपको क्लियर कर दूंगा कि कभी भी ये एक्ट पूछे जाए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत मदद मिले। उसके बाद 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कि जो ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहती हैं, अगर आपने बोल दिया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसका मतलब यह है कि आप तो पेड़ नहीं काटने देंगे या रिसोर्सेज यूज नहीं करने देंगे। तो 2006 में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया जो डिसाइड करता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या बाकी ट्रेडिशनल लोग जो जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, जो जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, जंगल के साथ मिलके रहते हैं, उनका भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए जंगल पे। तो वो 2006 के एक्ट में पहली बार आया। उसके अलावा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरमेंट को, तो ये वाला एक्ट के थ्रू सजा दी जाती है। इसी एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश किया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो आपको सजा देता है। जैसे दिल्ली में आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है,
किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो एनजीटी पे मामला चला जाता है, एनजीटी आप पे फाइन लगा देगा 25 करोड़ का। फिर आप सोचोगे कि मेरा तो प्रोजेक्ट ही 2 करोड़ का था, 25 करोड़ का फाइन लग गया। फिर आता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, अभी दो चार एक्ट पक्का है जो छूट गए होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर की है। आप लोग चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि हम यहां पे रिवाइज करते चलेंगे, आगे टाइम नहीं मिलेगा हमको शायद। सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट इन 1972, फिर वाटर आता है 74, फिर आता है एयर 81, फिर एनवायरनमेंट का पूरा आता है 86, फिर ओजोन डिप्लीटिंग के रिगार्डिंग रूल्स आते हैं 2000 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है 2002 में, फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसको कहते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। क्लियर है जी, येस और नो? इसमें हमेशा याद रखिएगा, अगला एग्जाम नहीं तो उसके अगले एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम आप देखेंगे, अगले 5 एग्जाम में आपको ये 3 एग्जाम में इसी स्लाइड से सवाल मिलता हुआ दिख जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको भरोसा है कि बादाम आपने बहुत ज्यादा खाए हैं तो फिर आप हो एकदम आराम से नेटफ्लिक्स है चिल वाले दौर में भी बैठ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिए ट्रिब्यूनल मतलब होता है जो सजा सुना सके, ट्रिब्यूनल होता है जो सजा सुना सके। तो ये एक एक्ट बनाता है, बताता है जिसके तहत एक ऐसा, एक तरीके से आप समझ लीजिए लेम भाषा में, कि कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें जज बैठता है जो कि सिर्फ एनवायरनमेंट के मसले सुनता है, उसको आप ट्रिब्यूनल कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही बात सुनेगा। ट्रिब्यूनल का मतलब यही होता है जो एक तरीके का टाइप ऑफ कोर्ट होता है। इंडस्ट्रीज के अपने अलग ट्रिब्यूनल होते हैं, कंपनी लॉ के अलग ट्रिब्यूनल होते हैं, क्योंकि कोर्ट में आप सब हर मामला लेके नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कंपनीज के इशू हैं तो उसके लिए कंपनी के ट्रिब्यूनल होते हैं, कंपनी एपिलिएट ट्रिब्यूनल होता है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, एनसीएलटीज वगैरह। तो उनका काम क्या है, इनका काम ये है कि कंपनी से रिलेटेड जितने भी इशू आएंगे अभी जी एक चीज समझिए, एक एक्ट बनाया गया, स्पेशली एक एक्ट लाए जिसके तहत इस्टेब्लिश किया गया एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक्ट क्या होता है, एक्ट ये होता है कि आपने बोला कि हाँ जी एक थोड़ा लॉ वाला मामला है एनवायरनमेंट पे, मैं कोई एक तरीके का ट्रिब्यूनल बनाना चाहता हूं, तो आप बिल लेके आए, वो बिल पास हो गया, वो एक्ट बन गया और उस एक्ट से ही इस्टेब्लिश हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये अलग एक्ट है। अब आप बोलेंगे कि सर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि एनवायरनमेंट ही में ही तो एफॉरेस्टेशन आता है। इसका काम अलग है, इसका काम ये है कि मान लीजिए मैंने जंगल डिस्ट्रॉय किया, मैंने परमिशन ले ली जंगल में कुछ पेड़ काटने की, और उसकी जगह मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उतनी ही जगह पे उससे ज्यादा जगह पे पेड़ लगाऊंगा, एफॉरेस्टेशन करूंगा, या फिर मैं सीएसआर के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक पैसा जमा करूंगा जिससे सरकार पैसे लगाए, सरकार पेड़ लगाएगी। तो ये जो पैसा मैंने जंगल बर्बाद करने के चक्कर में पेनल्टी दी है, वो पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए ये एक्ट आया है। तो
तो हर एक एक्ट का काम अलग होता है, क्लियर है ये पॉइंट? अगर उसी एक्ट में कुछ चेंज करना होता तो उसके आगे अमेंडमेंट कर देते हैं, जो कि एक्ट का अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलना हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, तो अब आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये एक एक लाइन की जो आपको चीज लिख रही है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें होती है। ये 100-100, 200-200, 300-300 पेजेस में इनकी डिटेलिंग लिखी होती है। हम तो सिर्फ ऑर्डर पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ने लग गए तो हो सकता है कि 2 साल बाद उठे हम। तो क्लियर है तो लाइक कर दीजिए प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी याद रखिएगा, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया, अभी बचा है कुछ और डिस्कस करने को। अब डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट के एक्ट। देखिए, जब अंग्रेज आए थे डलहौजी साहब, तो डलहौजी साहब ने बोला कि ट्रेन बनानी है, तो ट्रेन के पट्टे बनाने के लिए, प्लैंक्स बनाने के लिए, रेल की पटरी, लकड़ियां चाहिए थी, जंगल पे कंट्रोल चाहिए था। तो ब्रिटिशर एक कानून लेके आया जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और चेंज किया होगा थोड़ा बोड़ा, तो एक और एक्ट लेके आए, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। फिर और कुछ टाइम पास हो गया तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 आया। ये तीनों ब्रिटिशर्स लेके आए थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की सरकार ने पहले नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आई। इंडिया की सरकार ने बोला कि देखिए, कोई भी चीज अगर जंगल नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और उस नेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर हमें किसी कम्युनिटी को डिस्प्लेस भी करना पड़े, तो वो कम्युनिटी को कंप्लेन नहीं करनी होगी। यानी बोला कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर जंगल काटने भी पड़े तो काटेंगे, ये बोला गया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। फिर कुछ टाइम बाद एक और पॉलिसी बनाई गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। एंड देन 2006 का एक्ट जो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, जिसको अभी हमने इस नाम पे भी देखा था, ये वही है FRA एक्ट। तो ये वो एक्ट है जो सिर्फ जंगल से डील करते हैं, जो फॉरेस्ट से डील करते हैं। इसमें प्राइमा फेसी इनका मेन काम क्या है, एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस ना करके फॉरेस्ट पे फोकस करना। क्लियर है? यस और नो? तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। याद कैसे रहेगा, बड़ा सिंपल है याद रखना, कि 1865 में आया, उसके बाद 1878 में आया, एंड देन 1927, ये एक ग्रुप बना लीजिए। डाटा को जितने छोटे छोटे पैकेट्स में बना लेंगे आसान रहेगा। आजादी के तुरंत बाद 1952 में नेहरू जी ने बोला कि हमारी पॉलिसी है। 1980 में एक एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 1988 में इसी एक्ट को एक्सपेंड करते हुए एक पॉलिसी आई, और अभी तक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है वो यही है, 2006 वाला एक्ट। अब यहां तक मैंने समझाया है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। टाइम मैंने लिया इस सवाल पे, पर जैसा कि मैंने बताया, सवाल को सॉल्व करना हमारा फोकस है ही नहीं। हमारा फोकस यह है कि इस सवाल का चाचा, ताऊ, मौसी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए, इस सवाल से मिलता जुलता या इस टॉपिक से मिलता जुलता, तो हम अगली बार उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 297 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 297 अगेन पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए, कि नॉर्मली ऐसी चीजें जो डायनामिक होती हैं वो रिपीट नहीं होती, स्टैटिक चीजें भले ही रिपीट हो जाए। अब मेरा एक पॉइंट समझिएगा, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 297 की बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नाम है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज। तो देखिए, गांधी इंटरनेशनल लीडर थे, दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं जहां पे गांधी जी की आइडियोलॉजी आज भी बहुत वैल्यू रखती है, जैसे साउथ अफ्रीका, जैसे अमेरिका, जैसे बहुत सारी जगह। सो इस प्राइस की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखने चाहिए। पुर्तगाल ने ये अनाउंस किया है, ठीक है, तो इसका आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल, पोर्टुगल, लिस्बन जिसकी कैपिटल है। तो ये अवार्ड किया जाएगा एनुअली, और इसका पहला जो एडिशन था ये 2019 से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी लोग गांधी जी के आइडल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, और 2019 से पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सो आंसर इज ए, 2019 से स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ा सा कैपिटल भी देख लेते हैं। पुर्तगाल की लिस्बन है, ब्राजील की ब्राजीलिया है, और केन्या की कैपिटल है नैरोबी। सो यहां पे हमने कैपिटल भी देख लिए इन देशों की। अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी कौन सी जगह पे? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी कहां पे? क्रोकोडाइल हम सब जानते हैं, प्यारा सा जानवर है, पानी में रहता है, पानी में रहने वाला, जाए अगर पानी में तो दोस्ती करता है, काटता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बड़ा सा क्यूट सा है, छोटे छोटे दांत होते हैं, बस एक बार चुभाएगा। क्रोकोडाइल के बारे में सबको पता है क्रोकोडाइल कहाँ मिलता है। अब ये सवाल है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, ये कहाँ पे ये सेंचुरी सिचुएटेड है। तो 298 के बारे में बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में ये देखने को मिलता है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है आप लोग बताएंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो अंडमान एंड निकोबार के बारे में याद रखिएगा कि 572 टोटल आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्किपेलगो कहते हैं इसको, जिसमें से 37 ऐसे जहां पे लोग रहते हैं, 37 ऐसे जहां लोग रहते हैं, बाकियों पे लोग नहीं रहते। बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा, और जो हम अंडमान एंड निकोबार देखते हैं इनके अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, हर एक आइलैंड का अलग अलग नाम है। सो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आंसर इसका ए है। दूसरा सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं तो लद्दाख को कब यूटी बनाया गया? लद्दाख कौन से साल में यूनियन टेरिटरी बना है?
31st ऑफ अक्टूबर 2019 को पार्लियामेंट ने जब एक्ट पास किया तो लद्दाख एक यूटी के फॉर्म में आ गए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 299 की। कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है? कावेरी नदी कहाँ फ्लो करती है इसका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा इन सारे सवालों का आंसर देखने का तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप एक नाम चमकेगा दूर से, जैसे कि जी हाँ 31st ऑफ अक्टूबर 2019 मैंने बताया लद्दाख के बारे में। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 299। कावेरी की स्पेलिंग आपको सी से भी देखने को मिलेगी और के से भी कई जगह देखने को मिलेगी। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करती है। ठीक है जी, तालाकावेरी से स्टार्ट होते हुए कोगाडो डिस्ट्रिक्ट से निकलते हुए ये पहुंचती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ईस्ट फ्लोइंग है जी, बिल्कुल ईस्ट फ्लोइंग है, और ये पेरिनिलियल रिवर है, इसमें लगातार साल भर पानी रहता है। ये थर्ड लार्जेस्ट नदी है गोदावरी और कृष्णा के बाद। अब अगर आप लोग इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आती है हरंगी, हेमवती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल और अर्कावती। तो जो मैंने अभी नाम बताए, हरंगी, हेमावती, कबीनी, भवानी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल और अर्कावती, तो आपको दिख गया होगा कि जो नाम नहीं बताया गया है वो है कोसी। कोसी के बारे में आप सबने सुना होगा, कोसी बहुत दूर है। कोसी रिवर ऊपर किस साइड पे? एकदम उतनी साइड। कोसी रिवर आपको नेपाल के इलाके में, इंडिया के इलाके में देखने को मिलेगी। इतनी दूर दूर है, अगर लोकेशन का भी आइडिया हो ना तो बता देंगे। ये गंगा को ज्वाइन करती है कटिहार डिस्ट्रिक्ट कुर्सेला में, और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो चाइना नेपाल के थ्रू होते हुए इंडिया में आती है। जी हाँ, सौरव बिहार कहा जाता है। इसी तरीके से एक नदी को सौरव बंगाल कहा जाता है। कौन सी नदी है जो सौरव बंगाल कहलाती है? सौरव बिहार क्यों? क्योंकि हर साल ये अपना रास्ता बदल देती है, जिसकी वजह से बिहार में हर बार फ्लड आती है। ऐसे ही एक नदी को सौरव बंगाल बोलते हैं, वो कौन सी नदी है ये बताइए, फिर हम अगले सवाल पे मूव करते हैं। उस नदी का नाम है दामोदर रिवर। तो चलिए अब अगले सवाल पे मूव करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी बनाते हैं। सवाल है पहले मुगल एम्परर के बारे में जिसने फरगना पे अपना शासन किया इन 1494। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में, दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात, जब टाइम पीरियड लिखा है उसी से क्लियर हो जाता है, आधे ऑप्शन वही एलिमिनेट हो जाते हैं। सो बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर, आपको बाबर का जन्म इसी इलाके में फरगना में देखने को मिला। इसके फादर थे जो फरगना के पहले कंट्रोल करते थे। तो बाबर के फादर की डेथ के बाद, बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा, तो उनकी डेथ के बाद
गद्दी किसको मिलनी थी? बाबर को गद्दी मिली, लेकिन बार बार इनसे छीन ली गई। इन्होंने समरकंद पे कब्जा किया, वो भी छीन लिया गया। मतलब बाबर की ये हालत थी, जहां जाते थे वहां से भगा दिए जाते थे। शुरुआत के बाबर की पर्सनैलिटी कैसी भी रही हो, अच्छा बुरा बाबर हो सकता है, लेकिन बाबर की जो एक क्वालिटी आप लोगों को सीखनी चाहिए वो ये है कि इतनी जगह बहुत सारी चीजें जो नहीं सीख सकते, लेकिन एक चीज सीखनी चाहिए, लगातार ट्राई करना। इतनी लड़ाइयां हारने के बाद 1494 से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, लेकिन पहली बार उसको स्टेबल जगह 1526 के बाद मिली है। वो भी स्टेबल नहीं मिली है, 1529 तक तो वो लड़ता ही रहा है, बाकी नशे वगैरह बहुत करता था। अब एक कहानी बोली जाती है बाबर के साथ कि बाबर बचपन से थोड़ा थोड़ा ना नशा करता रहता था, बहुत ड्रग्स वगैरह ये सब करता था, नशे वगैरह बहुत ज्यादा करता था, थोड़ा बहुत जहर वगैरह भी, ऐसा बोला जाता है कि उसको हल्का हल्का जहर भी खिलाया गया था ताकि उसकी बॉडी जहर डाइजेस्ट कर ले। तो इब्राहिम लोदी को जब हरा दिया, अब ये कहानी बोली जाती है, इब्राहिम लोदी की शायद मदर थी जो इनके लिए खीर बना के लाई थी जिसमें जहर था, और ये सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन की तरह डाइजेस्ट कर दिया। जैसे सूर्यवंशम में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन पूरी डाइजेस्ट कर गया था खीर, उसके बाद लड़ता भी है 15 मिनट। भानु प्रताप यही नाम था शायद, तो वैसे ही ये डाइजेस्ट कर गया। ठीक है, तो बाबर के बारे में मैंने आपको बैटल्स का नाम भी बता रखा है। बैटल्स आपको याद रखने के लिए है कि बाबर नशे बहुत करता था। जी हाँ, सोनी मैक्स पे आता ही रहता है। उस सोनी मैक्स के मालिक को खुद पसंद है, उसको लगता है कि हमको भी पसंद है। तो बाबर के जो बैटल्स हैं वो याद रखने हैं जो इंडिया में, वो है पी के चला गया, बहुत नशा करता था तो पी के चला गया, मतलब 1526 में पानीपत की लड़ाई, 1527 में खानवा की लड़ाई, पिया खाया चला गया, सी से चंदेरी और जी से बैटल ऑफ घग्गर, और 1526 से एक एक साल पे 27, 28, 29। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि बाबर ने अपनी जिंदगी में कभी प्लीज नहीं बोला, क्योंकि वो इंग्लिश भाषा नहीं बोलता था। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा। बाबर के बारे में हमने बात कर ली है। 1504 में काबुल पे कब्जा करता है, 1519 के आसपास इंडिया आना स्टार्ट करता है। बाबर को दो लोगों ने बुलावा दिया था, एक दौलत खान लोदी की तरफ से बुलावा गया था और एक राणा सांगा साहब की तरफ से, मेवाड़ के राजा की तरफ से। हाँ जी, सब बैटल में बाबर जीतता था। देखिए, हारने वाला जो बैटल हारने वाला राजा था वो तो हुमायूं था। नॉर्मली ज्यादातर मुगल्स जो अगर बैटल हारते भी थे, ऐसा नहीं बैटल हारते नहीं थे, वो हारते थे तो अगले बैटल में और ज्यादा फोर्स भेज के जीत लेते थे। बाबर तो अपनी टेक्निक्स की वजह से अराबा और तुलगनामा की टेक्निक इस्तेमाल करता था जो इसने ओटोमन से सीखी थी। ओटोमन के गनर्स लेके आया था रूमी। कभी पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बहुत नशा करता था, जहांगीर भी ऐसा ही था। अगले सवाल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है जीएसटी, तो ये कौन से अमेंडमेंट से जीएसटी लागू किया गया, ये सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है जीएसटी के ऊपर कि कौन से अमेंडमेंट ऑफ एक्ट से जीएसटी लागू किया गया।
जी 2016 में। और आर्टिकल कौन सा है? सी, देखिए शगुन के 101 रुपए दिए जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए या कुछ ऐसा बोला नहीं जाता कि शगुन के 101 रुपए। तो पैसे का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, आर्टिकल 101। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना था वो सारे प्रोविजन को, खासकर आर्टिकल 246, आर्टिकल 254, इन सबको, कि इनके ऊपर कुछ क्लॉजेस बदले गए थे। आर्टिकल 246 में एक क्लॉज डाला गया था, आर्टिकल 269 ए डाला गया था, काफी सारे क्लॉजेस डाले गए थे, उतने डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101, 101। जी कैसे भी याद रख लीजिए, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। देखिए मैं कोई टेक्निक बता दूंगा क्या होता है, मैं आपको कोई टेक्निक बता दूंगा, हो सकता है आप जो मैंने टेक्निक बताई थी वही भूल जाए, कि हर बात की मैं निमोनिक्स नहीं बताता, कि इतने निमोनिक्स बता दो कि बच्चा निमोनिक्स ही भूल जाए कि क्या निमोनिक्स बताया था सर ने। इसलिए जो आपको खुद समझ में आता है उस तरीके से याद रखिए, जैसे समझ में आता है याद रखिए, एग्जामिनर को नहीं फर्क पड़ता आपने कैसे याद रखा है। ज्यादा याद रखने में दिक्कत आती है तो अपने दोस्त का नाम रख लीजिए बाबर, और रोज उसको डांटिए कि कितना नशा करते हो, पानीपत में जीत गए हो, खानवा में जीत गए हो, चंदेरी में जीत गए हो, घग्गर में जीत गए हो, तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझने लग गए हो क्या? रोज उसके ऊपर डांटिए और अपने दोस्त को बोलिए कि तुम्हारा नाम बाबर है। कुछ भी, कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है। क्वेश्चन नंबर 302, ये ऐसा सवाल है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को दे दो तब भी समझ में आ जाए। अब रणजी ट्रॉफी विजय के नाम पे तो नहीं होगी, राहुल के नाम पे तो नहीं होगी, रणजी ट्रॉफी जिसके नाम में ही रणजी है वो रणजीत सिंह जी के नाम पे ही होगी। अब ये महाराजा रणजीत सिंह नहीं है, ये दूसरे रणजीत सिंह है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हाँ जी कि अमीना जी आपका नाम क्या है, जैसे मैं पूछूं तलांग जी आपका नाम क्या है, तो नाम जब दिया ही है सवाल में ठीक है। ये हैं भाई साहब जो ये रणजीत जी जो बाद में नवाब की तरीके से भी हुए, ये ऐसे सवाल फ्री मार्क्स ही होते हैं, जैसे ये सवाल भी फ्री मार्क्स ही है। अगर आपको इतना ही पता हो कि 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जिसमें बाबर आया था, बाकी सब तो बाद में आएंगे ना, शाहजहां बहुत बाद में आएगा, शाहजहां तो जहांगीर का बच्चा है, जहांगीर अकबर का है और अकबर हुमायूं का बहुत टाइम बाद आएगा। जी हाँ शक्तिमान ही गंगाधर है, या फिर वो मूवी देखी होगी आपने शाहरुख खान वाली रब ने बना दी जोड़ी, मतलब कोई मूछ हटा के आ गया और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो सेम ही आदमी है, क्या बेवकूफ बनाते। तो इनका नाम है रणजीत सिंह जी। ये 1935 से स्टार्ट की गई थी और इसको इनॉगरेट किया था महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला ने। याद रखिएगा, इसको इनॉगरेट करने वाले थे महाराजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला।
1935। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, यहां पे भी फिर अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की गई है, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? ओडिशा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या डी नन ऑफ द अबव में? तो आंसर आया ओडिशा। बाकी लोग बताएं, गूगल मत करिएगा। ए आंसर आया है, सी आया है, डी आया है, बेचारे बी को फोम हो रहा होगा, बी भी आ गया, बहुत बढ़िया। डी आया है, ए आया है। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है जब आप लोग अलग अलग आंसर देते हैं ना, एक वाले आंसर में उतना मजा नहीं आता, अलग अलग वाले में ज्यादा मजा आता है। चलिए बात करते हैं। तो जो मैं बता रहा हूं, एज ऑफ नाउ आज की डेट में भारत में 7 मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कॉपी ले लीजिए, पेन लिखना चालू कर लीजिए। सवाल की बात करते हैं, तारापुर, तारापुर कहीं पे नहीं है इनमें से, महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में, जी हाँ। अब बात करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट 7 है लेकिन रिएक्टर 22 है। इनकी कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि रिएक्टर बढ़ सकते हैं, कोई रिएक्टर बंद हो सकता है। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो बोईसर महाराष्ट्र में बनाया गया, जिसका नाम है तारापुर। फिर राजस्थान में आया, फिर मद्रास में, फिर नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, फिर काकरापार जो कि गुजरात में है, काइगा जो कर्नाटक में है, और कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में। ठीक है जी, तो 7 है और रिएक्टर 22 है, मतलब क्या होता है? जी हाँ, ऑप्शन में एक भी नहीं है ओडिशा में। अभी और बहुत सारे बनने हैं, प्रपोज्ड है, जो अभी 2027 तक कुछ बन के तैयार हो जाएंगे और कुछ और बनेंगे, और कुछ इन्हीं में ही और रिएक्टर लगने वाले हैं, तो इनकी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है, इनकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। ये एज ऑफ नाउ आज की डेट पे, तो ये इसकी फोटो खींच लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आप लोगों के लिए। होता क्या, जैसे मान लीजिए एक मैंने 100 मेगावाट का रिएक्टर लगा रखा था पहले, फिर मेरे पास लगा कि मुझे और जगह चाहिए या और मुझे एनर्जी चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मैंने 220 मेगावाट का एक और रिएक्टर लगा दिया। जैसे ये काकरा पार अटोमिक पावर प्लांट है, इसमें अभी 2021 में 700 मेगावाट का एक नया रिएक्टर स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से इसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई, नहीं तो शुरुआत में इसकी कैपेबिलिटी थी 440। वो गाना सुना है ना, लगे 440 वोट छूने से लतेरे, तो ये वोट नहीं, ये मेगा वोट है, 10^6। ये इतना इंपॉर्टेंट टेबल है, आपके सारे पावर प्लांट इसमें मेंशन है, अभी नए और जुड़ेंगे तो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इंडिया का ये जो 700 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है, और ऐसा एक और 700 का यहाँ पे लगाना है, और बहुत सारी जगह पे एड ऑन करते रहना है, और नए भी प्लांट एस्टेब्लिश प्रपोज किए गए। अभी सबसे ज्यादा पावर वाला कुंडनकुलम अटोमिक पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे तारापुर में। क्लियर है? अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो प्रिफर करता हूं कि आप हमेशा लिखें।
अभी टाइम कम होगा लिखने के लिए इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन फोन में कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीनशॉट भरे पड़े रहते हैं लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो बेटर यह कि अगर स्क्रीनशॉट भी लें तो उसको क्लास के बाद अपने हाथ से लिख लें। तो आज मैंने दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया, पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट बता दिया। आगे कभी भी पावर प्लांट के ऊपर सवाल आएगा तो बता दीजिएगा। सबसे पहला ये है और सबसे बाद में ये बना है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए मैंने नाम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मैंने साल मेंशन इसलिए नहीं किए कि फिर वो बहुत ज्यादा डाटा हो जाता, पहले ये डाटा याद कर लीजिए फिर उसके बाद उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी याद करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 304, जाकिर खान का बड़ा फेवरेट फेमस डायलॉग है, बादल बहुत जरूरी है। ठीक है, जहाज में कभी मौका मिले बैठिएगा तो विंडो सीट लीजिएगा, बादल भी तो रिकॉर्ड करने हैं ना। तो एक स्कीम है जिसमें भारत की सरकार कहती है उड़ान स्कीम। इस उड़ान स्कीम का मतलब क्या है? उड़े देश का आसमान, ऑप्शन सी देखिएगा, मतलब देश का आसमान ही उड़ा दिया ऑप्शन में। ऑप्शन सी देखिए, आसमान उड़ा दिए। अच्छा नागरिक क्या होता है, बुरा कौन सा है? अच्छा मतलब क्या, जो नहा के गया है, कोट पैंट पहन के गया है, वो अच्छा है? कैसे अच्छा डिसाइड करेंगे? जिसकी दाढ़ी वाड़ी ट्रिम है कैसे अच्छा डिसाइड करेंगे? फिर ये फ्री का मार्क्स है कि जिसके फोन में टिकटॉक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, वो अच्छा आदमी है। तो यहां पे दो ही चीजें हो सकती थी, डी या ए। और ये ए आपको पता है आम नागरिक को उड़ाने की ही कोशिश करती है सरकार कि आम आदमी उड़ जाए। सो उड़ान स्कीम कहती है उड़े देश का आम आदमी, आम नागरिक। इसके तहत क्या किया जाता है, नई नई जगह पे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और मेन काम यही है कि नई नई जगह पे ऐसी ऐसी जगह को जोड़ा जा रहा है विथ फ्लाइट जहां पे नॉर्मली नहीं जा पा सकते थे। तो बहुत सारी जगह नए एयरपोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं इस स्कीम के अंडर। कुछ और कमीशन किए जा रहे हैं, कुछ और बनाए जा रहे हैं। सो बेसिकली ये किसका प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और इसको देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तब हम जी क्या करें, ये मिडिल क्लास वाले हम लोग ना, अब 10 के हमारे लिए बहुत ज्यादा है लेकिन एक ऐसा सेक्शन ऑफ इंडिया भी है जो 10 के रोज खर्च कर सकता है, ये उनके लिए स्कीम है। एक्चुअली में अब उड़े देश का खास आदमी होना चाहिए था लेकिन अब खास नागरिक लिखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, उड़ान के साथ यही मैच कर रहे हैं। प्राइजेस तो कम हुए हैं देखिए इस स्कीम के आने के बाद, एयरपोर्ट के एयर फ्लाइट्स के प्राइजेस तो कम हुए हैं पर फिर भी एक लिमिट से तो ज्यादा है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं, ये स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी। तीन सौ पांच सवाल, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? ये ऐसे ऐसे सवाल हैं, अब ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इतने इजी सवाल आएंगे पर कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, जो चीजें स्टैटिक हैं उनके कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे ये याद रखिएगा। तो इतना पता होना चाहिए कि 7 से नीचे पीएच वाले चीजें एसिड वाली होती हैं, 7 से 14 तक बेसिक होती है। तो जितना पीएच कम होगा, अगर 7 से नीचे की बात करें तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितना 7 से ऊपर जाते हुए पीएच ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
कोई पीएच जानते हैं ना आप, साइंस में पढ़ते हैं पीएच, कि पानी के अंदर कितने आयनिक कंपोनेंट हैं या बेसिक कंपोनेंट है, उससे डिसाइड किया जाता है। तो जो पानी होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, पानी भी एक्चुअली में एक एग्जैक्टली सात नहीं होता, पर जो एकदम न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जो स्टिल वाटर है, उसको सात पीएच माना जाता है। इसमें कुछ और चीजें पूछ लेता है, कोलगेट का पीएच किस डायरेक्शन में होना चाहिए। कोलगेट बेसिक होता है, क्योंकि तो हम जो खाते रहते हैं ना मसाले वसाले चटपटा, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा सा कोलगेट बेसिक होता है। ब्लड का पीएच वगैरह कुछ और चीजें पूछ लेता है, तो इसी को डिस्कस करेंगे। और ज्यादा अभी टाइम नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाए हैं, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। ब्लड थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.35 से लेके 7.45 बोला जाता है, जो हेल्थी ब्लड होता है। अगर ब्लड का पीएच 6.9 से कम है और 7.8 से ज्यादा है, तो वो लीथल हो सकता है, डेडली हो सकता है। यानी 6.9 से अगर पीएच कम है तो एसिड ज्यादा है, 7.8 से यानी बेसिक ज्यादा है, लीथल हो सकता है। मैं तो छोड़ ही दूंगा लिखा जी, मेरे को छोड़ना ही है, मेरे को खुद भी जाना है, मेरा लगातार 2 आवर का क्लासेस हो गया। कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा, और कभी भी एक चीज याद रखिएगा, कोशिश करिए कि इस लेवल पढ़िए, इस लेवल पे पढ़िए कि किताबें हाथ में और नींद आए। जब एकदम मेंटली थक जाए उस लेवल तक पढ़ा करिए, अपनी लिमिट को एक्सटेंड करते रहिए, 4 घंटे 5 घंटे से बढ़ाइए, 6 घंटे 7 घंटे बढ़ाते रहिए, जब तक दिमाग जवाब ना देने लगे। ब्रेक लेते रहिए बीच बीच में और पढ़ते रहिए। उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिवाइज बुक कर देते हैं। मैंने फॉरेस्ट एक्ट आप लोगों को बताए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्ट बताए, उसके अलावा मैंने आपको बताए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये वो सारी चीज़ें थी जो डिटेल में मैंने डिस्कस की। उसके अलावा कुछ और सवालों के थ्रू हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। एबीजी बुक बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि टेक्निक क्या फॉलो की जाए उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊं तो बता दीजिएगा, हम अलग वीडियो बना लेंगे। गुड नाइट, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जी हाँ, रेट रेस में स्टक करने के अलावा चारा नहीं, नौकरी चाहिए तो करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट। लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा।